पुण्य के लिए मंदिर जाते हैं, पाप कमा के आते हैं। यदि आपने मंदिर में घुसते वक्त एक बच्चे को धक्का दे दिया, एक बुजुर्ग को धक्का दे दिया, अब आप वहां कितनी पूजा करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव कहते हैं, शिव संहिता में, शिव पुराण में उन्होंने कहा है कि जो भक्त मेरे मंदिर में आता है वहां की साफ सफाई करता है और वहां पर फूल और फल वाले पौधे लगाता है उसको शिव पद प्राप्त होता है। कहां लिखा है तुम जाओ बन जाओ फल जाओ ये जाओ वो जाओ? कहां हमने अत्याचार किया है अपने भगवान के साथ, अनाचार किया है अपने भगवान के साथ, इसलिए ईश्वर की कृपा हमें नहीं मिलती है। श्री कृष्ण का पुनः उदाहरण, श्री कृष्ण बहुत आहत हो गए, रावण चला गया, मोबाइल छोड़ गया, ना वो राम का नाम लेने देते था ना ये लेने देते। कृपा इसका गला घुट गया। हमने अत्याचार किया अपने कृष्ण के साथ, कृष्ण के इतिहास को समझे बिना नाना प्रकार की चीजें हमने कृष्ण के साथ कर दी। हमने कृष्ण के साथ वही किया जो शिशुपाल ने कृष्ण के साथ किया, बस उस वक्त उसकी भत्सना हुई थी। आज चूंकि सारे ऐसे हैं इसलिए कोई किसी को बुरा कहता नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं ज्ञान हासिल करने का प्रयत्न कीजिए। अन्यथा ईश्वर के साथ अगर अत्याचार और अनाचार हुआ तो वह हमें क्यों क्षमा करे? हमने क्या अत्याचार कर दिया, हमारे क्या विचार ईश्वर के खिलाफ अत्याचार करते, कुछ करते हैं, किसी को बदनाम करना, किसी के चरित्र का हनन कर देना, यह किसी को मार देने जैसा है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, पहली चीज श्री कृष्ण की क्या आयु थी? 125। कितने से लोगों को पता था? सिर्फ 8 या 10। और श्री कृष्ण की पूजा कितने लोग करते हैं? सारे, लगभग सारे, सभी की करते हैं तो लगने वाले इससे ना मिला तो उससे मिल जाएगा। श्री कृष्ण के किस रूप की पूजा करते हैं? रास, श्री कृष्ण ने रास बचाया, गोपियों के कपड़े ले भागे थे, परेशान करते थे, और ये राधा कौन है? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न हम भक्त लोग कभी नहीं करते, यही से वह अत्याचार शुरू होता है हमारे भगवान। श्री कृष्ण ने कोई रासवास नहीं रचाया। रास का अर्थ है दिव्य मृत्यु, वह दिव्यता में है, वास्तविक नहीं, भौतिक धरातल पर कहीं वैसा डांस श्री कृष्ण ने किसी के साथ नहीं किया। और मैं एक के साथ आया हूं आज के बस, और आपने मेरी जो है दंड पूजा कर ली। क्या जवाब देते? कहते वो भगवान है, खबरदार जो उनके खिलाफ एक शब्द मिल गया। बच्चा हो सकता है चुप जाए, आपके प्यारे बच्चा होगा तो चुप जाए, लेकिन उसके दिमाग में ये दौड़ जरूर आ जाए। और जब वह बच्चा बड़ा होगा तो साफ रहेगा, और जब आप उसे पीटने के लायक नहीं रहेंगे तो वह बच्चा साफ कहेगा ऐसा ही ड्रामेबाजी बंद करो, मेरे पास टाइम नहीं, कर दिया धर्म का पंगा। 20 वर्ष हम
हमने अपने दिनचर्या से किया धर्म खत्म, समाज से हुए सुकर्म खत्म। जिस समाज से सुकर्म खत्म होंगे वह भ्रष्टाचार अनाचार अत्याचार फैलेगा, और जो समाज भ्रष्टाचारी अनाचारी और अत्याचारी होगा वो विदेशों को बिक जाएगा। तो ये समाज विदेशों को बिक रहा है और हम विदेशों की गुलामी करके उनके घरों में अपने बच्चों को नौकरी की हैसियत से भेज कर लड्डू बांटते हैं। यही समाज का विध्वंस हो रहा है क्योंकि हमने अपने भगवान को नहीं समझा। मुझे कभी कभी इतनी तकलीफ होती है, एक इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बच्चे का ख्वाब अमेरिका होता है। हर माता पिता अपने बच्चे की शादी इंग्लैंड में करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाना चाहते हैं, अमेरिका में सेटल करना चाहते हैं। वो क्या इतने महान ईश्वर की संतान अपने आप को कहते हो, सुबह शाम पूजा करते हो, उससे जीवन का हर सुख प्राप्त करते हो और अपने राष्ट्र में इतना सा भी विश्वास नहीं, अपने राष्ट्र के ऊपर इतना सा भी गर्व नहीं और कहते हम भक्त हैं। मर गया मेरा भगवान इस राष्ट्र की रक्षा करते करते, छाले पौधे पैरों में जंगल जंगल भाग जाता इस राष्ट्र की खातिर। इस राष्ट्र के लोग बचे इसलिए केवल वह और उसके बड़े भाई बलताऊ जंगल जंगल भागे, जिससे कि शिशुपाल की सारी जरासंध की सारी सेना उसके पीछे भागे, उसके देश के लोगों का अहित ना हो। ऐसा था वह राजा कृष्ण आपका मेरा भगवान। जो अपने देश में जागेंगे तब मैं यहां काम करूंगा, अब चाहे मेरे सोने का हिस्सा। जो देश विकास की नींव था वह आज विवादों का जखीरा है। इस देश के लोग विकास को पढ़ने की बजाय विवाद को पढ़ते हैं अखबारों में, विकास को देखने की बजाय विवादों को देखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि विवादों से रुचि उत्पन्न होती है, मजा आता है देखने में। लिहाजा पिछले 66 सालों से हम मूर्ख बनते चले। भगवान को मानने वाला व्यक्ति विकास परक होता है, विवाद परक नहीं होता है, क्योंकि उसको किसी की निंदा से मतलब क्या है। बहुत बड़ी बात है लेकिन हमारी जिंदगी में हमारे एक एक क्षण में उतरती है भगवान की पूजा, याद रखिएगा। इसलिए हमें भगवान को केवल रास रसैया करके उसके साथ अनाचार कर दिया, उसकी इज्जत को तार तार, उसने कोई रास नहीं बचा। मैं आपसे कह रहा हूं आश्रम परिवार के सारे लोगों ने इसको कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा, क्योंकि आश्रम हम लोग सब अपने आप को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हैं, साधना पथ पर रहते हैं, ध्यान का प्रमुखता से अभ्यास होता है आश्रम के अंदर, पढ़ने लिखने पर ज्यादा जोर होता है आश्रम के अंदर, सेवा कर्म पे सबसे ज्यादा जोर होता है आश्रम के अंदर। इसलिए ईश्वर की भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां आश्रम के अनेक लोगों को होती है। मैं आपको ये बताना इसलिए चाहता हूं कि ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद का अष्टमी थी और साल था 3156 BCE। दो बहुत बड़े स्कॉलर्स हुए हैं नरिहार जी और आर राघवन जी। आर राघवन जी ने 1969 में और नरिहारी जी ने 1990 के आसपास स्टडी करें। दुर्भाग्य इस बात का, सौभाग्य की बात है कि दोनों भारतीय हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि यह स्टडी उन्हें किसी भारतीय यूनिवर्सिटी में नहीं करनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में स्टडी हुई और उसमें श्री कृष्ण की डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस डेट को वह मथुरा गए, किस डेट को उन्होंने शांति वार्ता करी, किस दिन वो कर्ण से मिले, किस दिन वह कुंती से मिले, किस दिन सूर्य ग्रहण था, किस दिन 22 नवंबर का वह दिन था जब कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं इकट्ठी हुई, किस दिन भीष्म ने प्राण छोड़े, इतनी क्लैरिटी महाभारत के अंदर है। लेकिन हम अंधविश्वासी लोग महाभारत को घर में नहीं रखना चाहते, झगड़ा हो जाएगा। कमाल की बात है, अजीब अंधविश्वास है हिंदुओं के अंदर, कोई पुस्तक रखने से झगड़े हुआ करते हैं।
घरों में पुस्तक नहीं है क्या, वह झगड़े नहीं है? मैं कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि गुस्से के मारे हंसी आने लगती। मुझे दंपति ने यह कहा, महाभारत, मैंने कहा मेरे पास महाभारत रखे, बोले आप घर में महाभारत रखते हैं? उसमें भी आश्चर्य की क्या बात है, इतनी मेहनत तो नहीं आती। बोले नहीं नहीं महाभारत रखना अपशगुन होता है घर के अंदर। मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने कहा अच्छा, बोले मैंने कहा आपके यहाँ देंगे? हमारे यहाँ तो देंगे। मैंने कहा तो घर के कलह के बारे में उससे पूछ ली क्यों आए? हमारे मूर्खता की, पाखंड की, अंधविश्वास की हदें पार कर चुके हैं हम लोग। महाभारत रखने से श्री कृष्ण की जीवनी पता चलती है, कलह कहाँ होती है। महाभारत एकमात्र वैज्ञानिक स्रोत है जिसमें आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूर्ण वैज्ञानिकता से जान सकते। पहले महाभारत पढ़िए, उसके बाद श्रीमद् भागवत पढ़िए, उसके बाद खुदा पुराण पढ़िए, उसके बाद विष्णु पुराण पढ़िए, तब आप श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। नहीं तो उनके साथ अत्याचार करेंगे। यही कहते हुए वो रास रचाते थे, वह राधा से प्रेम करते थे, यह जाने बिना कि राधा कौन है और वैसा प्रेम कौन सा था। इस देश का दुर्भाग्य की जुडिशियर का एक व्यक्ति कह रहा है अपने स्टेटमेंट में, इट्स एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, ही नरेट्स that Krishna and Radha were in a living relationship. Sharma ji, लेकिन इसका कारण हम ही आप लोग हैं, क्योंकि हम धर्म को समझे बिना बस नाचने गाने को धर्म समझने लगते हैं, बस भजन को धर्म समझने लगते हैं। वह एक माध्यम है प्रभु की संगत प्राप्त करने का, वह धर्म नहीं। मंत्र माध्यम है प्रभु की स्तुति करने का, मंत्र धर्म नहीं, मंत्र प्रभु नहीं। आपको मंत्र नहीं आता तो क्या प्रभु प्राप्त नहीं कर सकते? आप कोई पुस्तक यदि पढ़ नहीं सकते तो क्या प्रभु प्राप्त तो नहीं कर सकते? प्रभु मिलता है मनोभाव से, प्रभु मिलता है वैज्ञानिकता से, प्रभु मिलता है शोधन से, अपना शोधन, मस्तिष्क का शोधन, शरीर का शोधन। इसीलिए यम नियम आदि अष्टांग हृदय बनाए गए हैं, अष्टांग सूत्र बनाए गए हैं,